हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिप पर। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? पेश है क्रिटिकल एनालिटिकल रिव्यू, डेढ़ बीघा जमीन। एक्टर प्रतीक गांधी अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं। इस हफ्ते ओटीटी पर प्रतीक गांधी की फिल्म डेढ़ बीघा जमीन रिलीज हुई है। चलिए जानते हैं कैसी है डेढ़ बीघा जमीन मूवी की कहानी। मुख्य किरदार में प्रतीक गांधी हैं, जो कि एक मिडिल परिवार से आते हैं। उनके ऊपर उनके घर की पूरी जिम्मेदारी है। खुशाली कुमार ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर पर आधारित है। प्रतीक गांधी और खुशाली कुमार की फिल्म डेढ़ बीघा जमीन की कहानी, जिसमें प्रतीक गांधी अपनी बहन की शादी करने के लिए सभी बाधाओं से लड़ते हैं। एक मिडिल क्लास का आम आदमी अपनी बहन के ससुराल वालों से दहेज का वादा करता है, जिसके लिए वो अपनी जमीन बेचने की कोशिश करता है। उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा हो जाता है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, तो वही कानून भी प्रतीक गांधी की मदद नहीं करता है। इस संकट से खुद को प्रतीक गांधी कैसे निकालते हैं और क्या उसे इंसाफ मिलता है या नहीं, यही इस फिल्म का मूल सारांश है। क्लाइमेक्स और एंडिंग की पूरी जानकारी देकर हम आपका मजाक खराब नहीं करेंगे दोस्तों। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की, तो डेढ़ बीघा जमीन की कहानी कहीं ना कहीं हमारे समाज के उस हिस्से से अवगत कराती है, जो कि ज्यादातर मिडिल क्लास के घर की कहानी है, जहां पर बेटियों की शादी के लिए घर वालों को दहेज एकत्रित करने के लिए अपनी जमीन से लेकर ना जाने क्या क्या दाव पर लगाना पड़ जाता है, जबकि सबको पता है कि दहेज लेना अपराध है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कानून का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से दहेज को बढ़ावा देते हैं और मांगते हैं। डेढ़ बीघा जमीन के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रतीक गांधी ने उस आम आदमी की कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे हर कोई गुजर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज बहुत कम ही लोग उठा पाते हैं। देखो, इस प्रकार की कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। 1953 साल में विमल राय की क्लासिक फिल्म दो बीघा जमीन भी कुछ मिलते जुलते विषय पर आई थी, जिसमें आम आदमी के ऊपर अन्याय और फिर समाज, कानून, प्रशासन, व्यवस्था के द्वारा मिला धोखा और अन्याय की कहानी। ऐसी ही कहानी माधुरी दीक्षित की फिल्म मृत्यु दंड में भी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कहानी में कुछ बहुत ज्यादा नया तो नहीं है। शायद इसलिए ही यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने में असफल रही और जियो सिनेमा ओटीटी पर रिलीज किया गया। कहानी में इस बात को असरदार तरीके से दिखाया गया है कि पिछले 75 साल में भारत देश का कानून और अदालत सिस्टम लकीर की फकीर ही बने हुए हैं, और कानूनी दांव पेज में पढ़कर आम आदमी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल और कठिन है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में प्रतीक गांधी ने अपने किरदार को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है। फिल्म का ज्यादा भर प्रतीक गांधी की एक्टिंग पर ही निर्भर है। उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली खुशाली कुमार ने अच्छी एक्टिंग की है। विलेन बने नीरज सूद, जो की माँ है जिन्होंने जमीन हड़प लिया, उसका भी काम ठीक ठाक लगा है। यदि आप काफी दिनों से किसी पारिवारिक फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसकी कहानी दिल को छू जाए, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक बार देखने के लिए रिकमेंड हम जरूर करेंगे कि यह फिल्म जरूर देखा जाए। हमारा यह वीडियो रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने ये फिल्म को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।